हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसेन फैमिली। आज फिर हम आपके सामने हाजिर है एक इनसेन कंटेंट को लेकर। आज हम आपके सामने खुलासा करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठ जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो ये खुलासा एक ऐसे एनिमे मूवी के बारे में है जो ऑलमोस्ट सभी एनिमे फैंस के दिलों पर राज करता है। एक ऐसे एनिमे मूवी जिसने अपने रिलीज डेट के साथ पूरी एनिमे कम्युनिटी में तहलका मचा दी थी और अभी भी बहुत पसंद की जाती है, जिसका इफेक्ट इतना था कि सभी एनिमे फैंस के सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन में सिर्फ ताकी और मित्सुहा ही छाए हुए थे। आपने बिल्कुल सही समझा, मैं योर नेम की ही बात कर रही हूँ। योर नेम एक तरह से रिप की गई है। नहीं नहीं, आपके कान बिल्कुल ठीक है और मैं कोई नशे करके नहीं आई हूँ। आपने जो भी सुना बिल्कुल सही सुना और मैं भी अपने पूरे होश आवाज में बोल रही हूँ। किमी नो नावा AKA योर नेम को हॉलीवुड की मूवी लेक हाउस से रिप किया गया है। मुझे पता है आप लोग क्या बोलोगे, तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब है। बट बिलीव मी गाइस, इट्स डैम ट्रू। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, इट्स अ रियल फैक्ट और हमारे पास इसका प्रूफ भी है। पहले आप हमारी पूरी बात सुन लो, फिर डिसाइड करना कि हम सही कह रहे हैं या हमारी बातें बकवास है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। वो ट्रेन सीक्वेंस तो याद ही होगी जहाँ मित्सुहा ने ताकी को रेड स्ट्रीम दी थी। मित्सुहा ताकी से मिलना चाहती थी और वो दोनों मिलते भी हैं, बट वो मिलने का सीक्वेंस बहुत ही छोटी पीरियड का था जिस वजह से वो दोनों मिलकर भी नहीं मिल पाते हैं। खैर, बट लकीली मित्सुहा ताकी को वो रेड स्ट्रीम तो दे देती है जो ताकी को फ्यूचर में मित्सुहा को याद रखने का आखिरी सोर्स था। लेक हाउस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फ्यूचर केट ने एलेक्स को एक स्पेसिफिक ट्रेन पर जाने को कहा, वो भी इसलिए क्योंकि केट ने अपने पास्ट में एक बुक खो दी थी जो उसके लिए बहुत खास थी, क्योंकि वो बुक उससे उसके पापा ने दी थी। इसलिए केट चाहती थी कि एलेक्स उस बुक को ले आए और उस लेक हाउस के आसपास मेल बॉक्स में डाल दे। एलेक्स को वो बुक मिल भी गया था पर फिर उसने वो मेल बॉक्स में नहीं डाला क्योंकि केट से वो पर्सनली मिलना चाहता था, फिर चाहे वो पास्ट की केट हो या फ्यूचर की केट हो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। योर नेम और लेक हाउस दोनों में मेल कैरेक्टर आर्टिस्ट है। हाँ, बहुत से मूवीज में मेन कैरेक्टर का आर्टिस्ट होना कॉमन होता है क्योंकि ये उसकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन शो करती है और लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। बट यहाँ पर दोनों मूवीज में MCs का आर्टिस्ट होना कोइंसिडेंस हो सकता है, बट तब जब हम इस बात से दोनों मूवीज की कहानी एक ही तरह से रिलेट ना करें, हम बोल सकते हैं कि ये कॉपी नहीं की गई है। अगर ताकि अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाता तो वो कभी वो प्लेस सी ड्राइंग नहीं कर पाता और फिर पूरी मूवी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और लेक हाउस में एलेक्स के पापा ने भी वो लेक हाउस डिजाइन किया था और बहुत सालों बाद एलेक्स ने उसे खरीद कर फिर से ब्यूटीफाई किया। और फ्यूचर में केट उस लेक हाउस में रहती थी जो पास में, अगर एलेक्स ने उसे खरीद कर फिर से ब्यूटीफुल ना किया होता तो फ्यूचर में केट उसमें रहती ही नहीं और फिर कोई स्टोरी नहीं होती। सो इन दोनों मूवीज के MCs के आर्टिस्ट होना ही उसका मेन पॉइंट था। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर और सीधे चलते हैं दोनों मूवीज की एंडिंग में। तो एंड में दोनों मूवीज के MCs हादसों से बच जाते हैं जो उनके साथ हुई थी। अब हम सब ये तो जानते ही है कि मित्सुहा उस हादसे से बच जाती है और फिर सालों बाद फाइनली मित्सुहा और ताकी मिल जाते हैं। तो लेक हाउस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था केट और एलेक्स के बीच। केट के कहे अनुसार एलेक्स ने 2 साल वेट किया और फिर दौड़ते हुए उस लेक हाउस के पास वाले मेल बॉक्स के पास जाता है। केट वही उसका इंतजार करती हुई नजर आती है और फिर दोनों के मिलने का सिक्वेंस। So basically, दोनों movies का ending भी almost same ही है। तो तब भी आपको कोई proof चाहिए? आप ही बताओ, जब दोनों movies के base points same हैं। Important movements, जो इस movie को special बनाता है। और ending भी same है, तो कोई proof की जरूरत ही नहीं है मेरी बात को साबित करने के लिए। आप चाहो तो दोनों movies को देखो और खुद compare करो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि your name rip नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि योर नेम एक रिप्ट हो सकती है,
अंटिल हमने वो आर्टिकल देखा जिसमें इस बारे में डिटेल्स में बताया गया था। जिन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा ताकि आपको भी इसका नॉलेज हो जाए। सो आप लोग ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो अब जब आपको इस बारे में पता है तो आप अपने थॉट्स को कमेंट में ज़रूर बताना और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई अनवांटेड कचरा मत फैलाना, क्योंकि इंडिया में क्लीन इंडिया मिशन अभी भी बहुत खर्चे में है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और डिसलाइक तो मत करना यार, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और इंसेन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।